मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर ट्रिगोनोमेट्री है और इसे साझा वन का है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 है तो सिद्ध करे कि साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। ये दो डाना है, सोल्व में इसको सोल्व करेंगे, लिखेंगे चूंकि 15 कॉट ए, तो कॉट ए बराबर 8, तो इसलिए कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला बताते कि साइन का फार्मूला था पी बटा एच, कॉस का था बी बटा एच, टैन का था पी बटा बी, कॉट का था बी बटा पी, फिर सेक का था एच बटा बी और कॉसे का था एच बटा पी। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसे छ को था, तो इसमें कह रहा है कॉट का था साइन कॉस टैन कॉट, कॉट वाला यही है फार्मूला, क्या है कॉट का बी बटा पी, तो ये हो जाएगा बी बटा पी। तो इसमें क्या बच रहा है, एक ठो एच बच रहा है, तो यानी कि कर्ण निकालना है हमको, तो लिखेंगे इसलिए एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला बताए थे, अब क्या करेंगे, पी का मान यहाँ पर दिया वो 15 और बी का 8, तो 15 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, 14 का 196 सॉरी 225, 16 का 256, 15 का 225, 15 का 225 प्लस 8 8 64, अब इसको जोड़ देंगे 5 4 9, 6 2 8 और 2, 289 किसका होता है, तो 17 का वर्गमूल हो जाएगा, 17 का हो जाएगा, यानी 289 किसका का वर्गमूल हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब पी का मान भी मालूम है, बी का भी मालूम है और एच का मालूम है, तीनों मालूम हो गया, तो अब लिख देंगे इसलिए साइन ए, साइन ए का होता है पी बटा एच। अब इसमें P कितना दिया हुआ है 15, तो P का मान लिख देंगे 15 और H का मान निकाले क्या कितना है 17, तो 17 लिख देंगे, एक हो गया प्रूफ। तथा दूसरा क्या कह रहा है कि सेक A, तो सेक A तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस एक, तो सेक किसका होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का होता है ये B बटा H, तो सेक का क्या हो जाएगा इसको उल्टा H बटा B, तो यहाँ पर लिख लेंगे H बटा B। और एच का वैल्यू कितना लाया है, तो एच का वैल्यू निकाले हैं तो 17 आया है और बी का वैल्यू 8 दिया तो 8 आया और यहाँ पर भी 17/8 लाना था, इसलिए ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 5 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan² a + cosec² a - cot² a। अब यहाँ फार्मूला लिखते हैं, साइन का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो साइन का फार्मूला होता है पी बटा एच, कॉस का होता है बी बटा एच, टैन का होता है पी बटा बी, कॉट का होता है बी बटा पी, सेक का होता है इसके कॉस के उल्टा, साइन कॉस टैन कॉट सेक होता है एच बटा बी और कॉसेक होता है एच बटा पी, छ हो गया। और देखो इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये सबसे लास्ट वाला होता है, ठीक है, यहाँ पर टोटल फॉर्मूला लिखा था पिछले वीडियो में भी बताए थे, ठीक है। तो कह रहा है कि चूंकि साइन ए बराबर 3/4 तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन का पी बटा एच, तो यहाँ पर ले देंगे पी और ये हो जाएगा एच, तो इसमें क्या निकालेंगे बी निकालेंगे, तो लिख देंगे इसलिए बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। अब त्रिभुज बनाकर बता दे रहे हैं, पिछले वीडियो में भी बताते कि ये मान लिया कि इसको कर्ण कहते हैं, तो ये हो गया एच, ये बेस बी और ये हो गया पी परपेंडिकुलर यानी कि लंब। जब ये निकालना रहता है तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, लेकिन जब ये दोनों निकालना रहता है तो इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देते हैं, अगर ये निकालना रहता है तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा देते हैं, तो क्या निकालना है हमको बी निकालना है, तो क्या करेंगे एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा देंगे, बराबर ये एच का मान कितना है तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्क्वायर करके इसको घटाएंगे, तो 4 4 16 और ये 3 3 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16 रूट हो जाएगा 7। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर से, साइन है ठीक है, पी बटा साइन में पी बटा एच होता है तो बी निकालेंगे इस पर, ठीक है, तो ये रूट 7 हो गया। अब कह रहा है
कि इसको साबित करना। तो तीन नौ, ये एक तो राइट एंगल मतलब तीन चार पाँच, तीन तीन नौ, चार चौका सोलह, पाँच पाँच पच्चीस, इस दोनों को जोड़ कर इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ आना था ये पाँच, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि साइन का ही मान होता है, और साइन का मान होता है पी बटा एच, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दिया हुआ भी है तीन बटा चार, पाँच तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर पाँच देना चाहिए था, लेकिन पाँच नहीं दिया हुआ तो तीन पर ही, तीन बटा चार पर ही बनाते हैं, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पाँच देना चाहिए, पी बटा एच इसका मान पाँच देना चाहिए, लेकिन इसमें पाँच नहीं है, तो जैसे दिया हुआ उसी पर बनाते हैं, डाल लेते हैं इसलिए प्रश्न से। तो क्या करा है एल एच एस, तो लिखेंगे चूंकि एल एच एस बराबर, तो एल एच एस में दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए बराबर, अब सेक का कहाँ दिया हुआ है एच बटा बी, तो एच बटा बी बराबर, एच का मान है चार और बी का मान है रूट सात, तो स्क्वायर कर देंगे तो चार चौका सोलह और बटा में हो जाएगा सात। अब आर एच एस कह रहा है तथा आर एच एस राइट हैंड साइड, ये कह रहा है वन प्लस टैन स्क्वायर ए और बटा में है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर, वन का तो वन रख देंगे प्लस टैन का होता है पी बटा बी, तो पी बटा बी का स्क्वायर कर देंगे, एक लाइन बढ़ा देते हैं, और कोसेक का होता है एच बटा पी, तो एच बटा पी का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस कॉट का होता है बी बटा पी, तो बी बटा पी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब एक लाइन यहाँ नीचे लिखेंगे, इसका वन प्लस P बटा बी, तो P का मान है तीन और B का मान आया है रूट सात, इसका स्क्वायर कर लेंगे बटा H बटा P, H का मान यहाँ दिया हुआ है चार और P का मान है तीन, तो चार बटा तीन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस B बटा P, B का मान रूट सात और P का मान है तीन, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर, वन प्लस तीन तिहाई नौ, रूट सात का स्क्वायर करेंगे सात, चार चौका सोलह, तीन तिहाई नौ, रूट सात का तो सात हो जाएगा और तीन तिहाई नौ, एक और सात का एलसीएम सात, एक से सात बने तो सात और प्लस सात से सात तो नौ, इसका जगह नौ नौ का एलसीएम नौ, ये हो जाएगा सोलह माइनस सात, अब यहाँ हो जाएगा ये नौ, यहाँ पर हो जाएगा नौ सात सोलह बटा सात, और बटा में हो जाएगा सोलह में से सात जाएगा तो नौ, नौ सात सोलह, तो नौ और नौ बटा नौ, अब इसको क्या करेंगे, ये नौ बटा नौ कर जाएगा तो एक हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक है तो इसका वैल्यू एक और होगा सोलह बटा सात, तो एक नौ नौ कर जाएगा तो एक हो जाएगा, और ये बटा में इसका एक रखेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए क्या कि इसको हटा दिए, एक एक नौ नौ कट जाएगा तो एक हो जाएगा, और एक से भाग करेंगे इसमें तो सोलह बटा सात के सोलह बटा सात हो जाएगा। अब देखते हैं कि कह रहा था कि सेक स्क्वायर ए तो बराबर होना चाहिए किसके, वन प्लस टेन स्क्वायर ए और बटा में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो अब इसको चेक करेंगे तो एल एच एस कहाँ है, ये वाला एल एच एस है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए दे रहा है और एच बटा बी, तो चार बटा रूट सात स्क्वायर, तो चार चौका सोलह बटा सात, ये एल एच एस का मान है, और आर एच एस ये है तो इसका मान भी आया है सोलह बटा सात, बराबर है सोलह बटा सात सोलह बटा सात, तो लिख देंगे यहाँ पर एक लाइन, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या कर देंगे प्रूव लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात नंबर, यदि कोसेक थीटा का मान है पांच बटा तीन, तो साबित करना है वन प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखेंगे चूंकि कोसेक थीटा बराबर पाँच बटा तीन, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो पी बटा एच होता है, तो इसका हो जाएगा एच बटा पी, अब क्या करेंगे बी निकालेंगे, तो लिखेंगे इसलिए बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान है पाँच तो पाँच का स्क्वायर माइनस पी का तीन तो तीन का स्क्वायर, पाँच का पच्चीस, तीन तिहाई नौ, घट जाएगा तो हो जाएगा रूट में सोलह और रूट सोलह का होता है चार, जब पी बी एच तीनों मालूम हो गया तो अब आते हैं एल एच एस पे, लिखेंगे चूंकि एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वन माइनस
टैन स्क्वायर थीटा और बटा में जाएगा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस टैन का होता है पी बटा बी, तो वन प्लस पी बटा बी और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। वन माइनस पी का मान दिया हुआ है तीन और बी का आया है चार, तो तीन बटा चार का स्क्वायर कर लेंगे फिर बटा वन प्लस पी बटा बी, तो पी का मान है तीन और बी का मान चार स्क्वायर कर लेंगे। वन माइनस तीन तिहाय नौ चार चौका सोलह, वन प्लस तीन तिहाय नौ चार चौका सोलह, अब हो जाएगा सोलह माइनस नौ बटा सोलह और यह जाएगा सोलह प्लस नौ बटा सोलह, इस सोलह से ये सोलह कट जाएगा, सोलह में से नौ जाएगा था सात और सोलह में नौ जोड़ देंगे था पच्चीस, ये हो गया सात बटा पच्चीस तथा आर एच एस बराबर तथा राइट हैंड साइड। अब दाहिना पक्ष में क्या करा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस का साइन, साइन का होता है पी बटा एच और कॉस का होता है बी बटा एच, तो कॉस है तो बी बटा एच का स्क्वायर हो जाएगा बी बटा एच और माइनस साइन का होता है पी बटा एच, तो पी बटा एच का स्क्वायर कर देंगे बराबर। बी का मान है यहाँ पर बी का मान निकाले हैं तो चार तो हो जाएगा चार और एच का मान है पाँच तो पाँच का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी का मान है तीन तो तीन हो जाएगा और एच का मान है पाँच तो पाँच का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, अब चार चौका सोलह पाँच पच्चे पच्चीस माइनस तीन तिहाई नौ पाँच पच्चे पच्चीस, भिन्न का तो घटा होता है बनाने, तो अब क्या करेंगे पाँच पच्चीस पच्चीस का एलसीएम पच्चीस हो जाएगा, तो ये कटेगा एक बार में तो सोलह के सोलह, ये कटेगा एक बार में तो नौ का नौ, सोलह में से नौ जाएगा तो नौ सात सोलह पट्टा पच्चीस। अब देखो यहाँ पर ये एल एच एस है ठीक है, ये एल एच एस है और ये आर एच एस है और कह रहा है कि दोनों बराबर होना चाहिए, तो एल एच एस का वैल्यू कितना है सात बटा पच्चीस और आर एच एस का वैल्यू कितना है सात बटा पच्चीस, दोनों बराबर है सात बटा पच्चीस सात बटा पच्चीस, तो लिख देंगे अतः एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आर एच एस प्रूव। यहाँ पर पी डी लिख रहा है ना, पी डी को यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखना होगा तो लिख देंगे सिद्ध हुआ और अगर पी डी का पूरा लिखेंगे तो लिखेंगे पी आर ओ वी ई डी, इस दोनों में से भी कोई लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है पी डी, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आठ नंबर, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी सी में, ए बी सी में यदि सी बराबर नब्बे डिग्री, तो यहाँ पर क्या किया है कि सी का मान नब्बे डिग्री डाल दिया, फिर कह रहा है कि कॉट बी का मान दिया हुआ एक बटा तीन ठीक है, तो बी कॉट बी का मान यहाँ पर दिया हुआ तो लिख दिया है कॉट बी बराबर एक बटा तीन, उसके बाद है तो सीध करे कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉट बी तो क्या था साइन कॉस टेन कॉट, इसका होता है पी बटा बी और इसका होता है बी बटा पी, तो बी ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि बी बटा पी, तो क्या कर लेंगे सी से माने इसको, तो ये एच है तो ये बी और ये पी मान ली, लेकिन अगर यहाँ पर कॉट कह रहा है तो कॉट तो इसके सामने ये पी हो जाएगा ठीक है, ये पी हो जाएगा और यहाँ पर ये बी हो जाएगा ठीक है, तो कॉट बी से तो पी का मान यहाँ दे रहा है ये बी बटा पी और बी इसका दे रहा है एक बटा रूट तीन, तो इसके सामने का पी होता है ठीक है और ये बी होता है, तो ये कॉट बी का मान है बी बटा पी, तो बी कौन हो जाएगा बी का मान एक है तो यहाँ दे रहा है एक बटा रूट तीन, तो पी का मान रूट तीन और बी का मान एक, तो बी का मान एक और पी का मान रूट तीन, तो पी का मान रूट तीन रख दिए। अब ये तो त्रिभुज बना लिए, अब कह रहा है तो लिखेंगे चूंकि ए बी सी में, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर नब्बे डिग्री, तो बी सी बराबर बी और बी का मान एक है तो यहाँ पर एक लिखते हैं, ए सी बराबर पी और पी का वैल्यू रूट थ्री है, थ्री है तो रूट थ्री लिख दिया। अब
ए बी बराबर एच हो जाएगा, ये ए बी है तो एच, और एच क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का मान रूट तीन था रूट तीन का स्क्वायर, बी का मान एक तो एक का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर रूट में है तो तीन और एक का एक, तीन एक चार और चार का वर्गमूल हो जाएगा दो, तो इसका वैल्यू कितना आ गया दो आ गया। अब कह रहा है कि एल एच एस कॉस ए इंटू कॉस बी है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस का सूत्र होता है बी बटा एच, इसलिए बी बटा एच बी बटा एच, लेकिन ये कह रहा है कॉस ए तो ए से देखना है ठीक है, तो ए से ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, किसके लिए इसके लिए, तो एक हो जाएगा और ये तीन हो जाएगा, तो कहता है कि कॉस का फॉर्म होता है बी बटा एच, तो ये पी हो जाएगा, तो बी कौन होगा रूट तीन, तो रूट तीन और एच क्या है दो, तो इसका मान दो। अब ये खत्म हो गया, अब कह रहा है कि कॉस बी, तो अब इससे देखेंगे तो ये पी हो जाएगा और ये बी होगा, तो क्या होता है बी बटा एच, तो बी का मान एक और एच का मान दो, अब क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो रूट थ्री से एक में तो रूट थ्री और दो दुना चार, किसका गया एल एच एस का मान। अब कह रहा है आर एच एस, आर एच एस है साइन ए इंटू साइन बी, तो होता है साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, तो पी बटा एच लिख दिया फिर गुना पी बटा एच, और साइन ए से देखेंगे तो साइन ए से, तो यहाँ से देखेंगे तो ये पी हो जाएगा, तो पी का वैल्यू लिख दिए एक और एच का मान दो है तो एक बटा दो। अब कॉस बी से कह रहा था साइन बी, बी से कह रहा था साइन बी, तो यहाँ से ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच, तो रूट तीन और बटा में हो जाएगा दो, तो रूट तीन बटा दो, एक में रूट थ्री से गुना करेंगे रूट थ्री दो दो ना चार। अब देखो यहाँ पे बराबर हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी का मान ये वाला है तीन बटा रूट थ्री बाई फोर, और आर एच ए साइन ए इंटू साइन बी का मान है यहाँ पर रूट थ्री बाई फोर, ये दोनों बराबर है रूट थ्री बाई फोर रूट थ्री बाई फोर लिख देंगे, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। इस तरह से ये चैप्टर वन समाप्त हो गया, चैप्टर वन क्या हो गया इंड, यानी कि चैप्टर वन जो था ये समाप्त हो गया, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर अगला चैप्टर, तो तब वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।